तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि राजस्थान के 33वें जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 4190 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 4190 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान के जिले प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है। कितना है? 4190। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए है वो हमें लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन का पता चलता रहे। तो अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि वर्ष 2009 से 2010 में राज्य के किस जिले में सर्वाधिक नई पंचायत समितियाँ का गठन हुआ है। तो आपको याद रखना है यह हुआ है हनुमानगढ़ जिले का, ठीक है। हनुमानगढ़ वह जिला है जिसका वर्ष 2009-10 में राज्य के हनुमानगढ़ जिले में सर्वाधिक नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है। किस जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है कि हरियाणा का वह नवगठित जिला जिसकी सीमाएँ राजस्थान को स्पर्श करती हैं, तो आपको याद रखना है वह जिला है मेवात, ठीक है। मेवात हरियाणा का वह नवगठित जिला है जिसकी जो सीमाएं हैं वह राजस्थान को स्पर्श करती हैं। कौन सा जिला है? मेवात। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश का वह जिला जो तीन ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है वह है नीमच, ठीक है। नीमच है जो मध्य प्रदेश का वह जिला है जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। कौन सा जिला? नीमच। अगला सवाल है कि राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी वह है, तो आपको याद रखना है वह जिला है कौन सा? तो वह जिला है नागौर, ठीक है। नागौर वह जिला है जहां पर राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएँ नागौर जिले में आपस में एक दूसरे को काटेगी। किस जिले में? तो नागौर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेंस एंड फाउंटेंस कहलाता है, तो आपको याद रखना है वह नगर है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर राजस्थान का वह नगर है जिसे क्या कहते हैं? द सिटी ऑफ माउंटेंस एंड फाउंटेंस, ठीक है। माउंटेंस एंड फाउंटेंस कहते हैं किस नगर को? तो उदयपुर नगर या उदयपुर जिले को कहते हैं। अगला सवाल है कि कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों में से होकर गुजरती है, तो आपको याद रखना है यह गुजरती है बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर से, ठीक है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर वह जिले हैं जहां से कर्क रेखाएं जो गुजरती हैं। किन जिलों से? बांसवाड़ा व डूंगरपुर से। अगला सवाल है कि राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है, तो आपको याद रखना है यह समान है जापान के, ठीक है। जापान देश के समान है क्षेत्रफल किसका? राजस्थान का। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद देश के राज्यों का अवरोही क्रम है, तो आपको याद रखना है इसका जो अवरोही क्रम है वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश है जिनका अवरोही क्रम है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वह राजस्थान का है, बाद में मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और लास्ट में आंध्र प्रदेश। इनका जो क्षेत्रफल है वह सर्वाधिक है, ठीक है। अगला सवाल है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम है, तो आपको याद रखना है वह क्रम है बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर एवं जैसलमेर, ठीक है। यह आरोही क्रम है किसका? राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई के अनुसार है जो जिलों का आरोही क्रम है। क्या है? जो सबसे कम है वो बीकानेर की लगती है, फिर श्रीगंगानगर की लगती है, फिर बाड़मेर की लगती है, और सबसे ज़्यादा जो लगती है वह जैसलमेर की लगती है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है वह है श्रीगंगानगर, ठीक है। श्रीगंगानगर वह जिला है जो पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट स्थित जिला मुख्यालय है। कौन सा? श्रीगंगानगर। अगला सवाल है कि राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है, तो यह स्थित है बाड़मेर जिले में, ठीक है। बाड़मेर जिले में क्या स्थित है? राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन है जो मुनाबाव वह स्थित है किस जिले में? बाड़मेर में। अगला सवाल है कि वह जिला जो भारत पाक सीमा से मात्र 15 किलोमीटर दूर है, तो आपको याद रखना है वह जिला है जालौर, ठीक है। जालौर राजस्थान का वह जिला है जो भारत पाक सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा जिला? जालौर। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश के साथ
राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती हैं? तो आपको याद रखना है यह लगती है 10। ठीक है, 10 जो राज्य की सीमा है, 10 जिलों की सीमा है जो लगती है किस राज्य से, तो आपको याद रखना है वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान के 10 जिलों की सीमा है जो स्पर्श करती हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से ज़िले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? तो आपको याद रखना है यह लगती है भीलवाड़ा की। ठीक है, भीलवाड़ा राजस्थान का वह ज़िला है जिसकी जो सीमा है वह मध्य प्रदेश से लगती है। अगला सवाल है कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं? तो वह नदियां हैं चंबल और पार्वती। ठीक है, चंबल और पार्वती राजस्थान की वह नदियां हैं जो मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं। कौन सी? चंबल और पार्वती। अगला सवाल है कि गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत हैं? तो आपको याद रखना है यह विस्तृत है जालौर और बाड़मेर में। ठीक है, जालौर और बाड़मेर राजस्थान के वह ज़िले हैं जिसमें गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र है जो इन जिलों में विस्तृत है। कौन से जिलों में? जालौर और बाड़मेर में। अगला सवाल है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है? तो वह संभाग है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर राजस्थान का वह संभाग है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। कौन सा? भरतपुर। अगला सवाल है कि राज्य की ऐसे दो ज़िले जिनका क्षेत्र दो भागों में बटा हुआ है, तो आपको याद रखना है वह हैं चित्तौड़गढ़ और अजमेर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ और अजमेर राजस्थान के वो दो ऐसे ज़िले हैं जिनका जो क्षेत्र है वह दो भागों में बटा हुआ है। अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम है, तो इसका जो स्थानीय नाम है वह है आडावलो। ठीक है, आडावलो है जो अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है। अगर एग्जाम पूछे तो आपको याद रखना है इसका जो प्राचीन नाम है या स्थानीय नाम है वह है आडावलो। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा नाम जालौर जिले से संबंधित नहीं है, तो वह है कौन सा? शिवाणची। ठीक है, शिवाणची हैं जो जालौर ज़िले से संबंधित नहीं हैं। ठीक है, कौन सा नाम? तो शिवाणची। अगला सवाल है कि तोरावटी क्षेत्र किस ज़िले में स्थित है, तो यह स्थित है सीकर ज़िले में। ठीक है, सीकर ज़िले में कौन सा क्षेत्र स्थित है, तो वह क्षेत्र है तोरावटी। ठीक है, तोरावटी जो क्षेत्र है वह सीकर ज़िले में स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो आपको याद रखना है इसका जो प्रयोग किया गया था वह किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड वह व्यक्ति है जिसने राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने। अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला का आंतरिक आगम्य क्षेत्र कहलाता है, तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है भोमट। ठीक है, अगर एग्जाम पूछे कि भोमट किसे कहते हैं, तो भोमट कहते हैं अरावली पर्वतमाला का आंतरिक अगम्य क्षेत्र भोमट कहलाता है। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है कि निम्न में से कौन सा शब्द जैसलमेर क्षेत्र से कोई संबंध नहीं रखता है, तो वह शब्द है कुरू। ठीक है, कुरू जो शब्द है वह जैसलमेर क्षेत्र से कोई भी संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने, आपको 25 प्रश्न दिए थे जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।